Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. Namaskar dosto, jaisa ki hum log pichle classes ke andar NCERT ke topics ko shuru kiya hai, usi ko bhi aaj ke class ke andar continue karte hai. Standard rates ke NCERT ka jo extra chapter hai usko padhe. UPSC CSE ke upar to main aapko NCERT karane hi wala hu, but NCERT ke above bhi jana padta hai aur uske liye main aapko welcome karunga ki aap hamare sath Unacademy Plus ke upar judiye. Unacademy Plus India ka largest learning platform hai jahan pe main bhi padhata hu. Ye meri profile hai and this is my Telegram channel. मैं आपको कहूंगा कि आप यहां पे जुड़ जाइए तो काफी एडवांटेजियस रहेगा. अब आपको लगेगा कि सर Unacademy Plus जुड़ेंगे क्यों? क्योंकि Unacademy Plus पे जुड़ने के साथ आप मेरे अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स है उनके क्लासेस को एक्सेस कर पाओगे, उनके लेक्चर्स को आप देख पाओगे और पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर प्रिपरेशन हो पाएगी. दिस विल इंक्लूड द डेली लाइव क्लासेस, द स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, द वीकली टेस्ट एंड क्विज एंड द बेस्ट पार्ट इज द अनलिमिटेड टाइम एक्सेस. आप जितनी बार चाहो उतनी बार क्लासेस को देख सकते हो. लाइव के अंदर तो देखोगे ही, फिर रिकॉर्डेड टाइम्स में भी देख पाओगे. इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं. मेरा जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन हिस्ट्री है वो भी इसी के साथ पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है. तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप जब Unacademy Plus का सब्सक्रिप्शन लोगे तो मेरे जितने भी हिस्ट्री के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है उसको आप अटेंड कर पाओगे. इसके अलावा इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स है जिनके जितने भी कोर्सेज है वो भी आप देख पाओगे, उनके जो भी क्लासेस है वो भी आप अटेंड कर पाओगे. मेरी हिस्ट्री की जो भी स्लाइड्स, मोर देन 2000 स्लाइड्स टोटल तरह के अगर आप देखो तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर मैंने बनाए हुए हैं, उसका भी आपको एक्सेस मिलेगा. तो ये सब कुछ आपको अवेलेबल हो पाएगा प्रीलिम्स मेंस कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के साथ. आप पूरी तरह से घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल के द्वारा या लैपटॉप के द्वारा तैयारी करोगे. ठीक है, तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि टू ज्वाइन अस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द Unacademy Plus. Unacademy Plus के ऊपर इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं. अगर आपको ज्वाइन करना है तो कैसे करोगे? डाउनलोड द Unacademy एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर के थ्रू या अपने प्ले स्टोर के थ्रू और उसके साथ हम लोग के साथ कनेक्ट हो पाइए. ठीक है, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से अपना गोल यूपीएससी सीएसई रखेगा और Unacademy के ऊपर जब सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा. एक मिलेगा Unacademy Plus और दूसरा मिलेगा आइकॉनिक. अब प्लस और आइकॉनिक के बीच में डिफरेंस क्या है? तो प्लस में नॉर्मल जो लाइव क्लासेस मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, प्रैक्टिस मिलती है, स्ट्रक्चर स्केड्यूल, ये सब कुछ मिलता है जो मैं आपको पढ़ाता हूँ प्लस के ऊपर. ठीक है, इसके अलावा Unacademy has come up with a new subscription called as the आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का एडवांटेज ये है कि ये सब्सक्रिप्शन के द्वारा आपको एक पर्सनल कोच अलॉट किया जाएगा बाय द Unacademy. सो Unacademy विल अलॉट यू अ पर्सनल कोच जो आपको आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज फीडबैक इन सब के अंदर हेल्प करेंगे. ठीक है, तो आपकी जो तैयारी है उसके अंदर एक है ना पुश करने के लिए आपको एक वन प्लस एडिशनल रिसोर्स पर्सन अलॉट किया जाएगा जो आपको हेल्प करेंगे इन द प्रिपरेशन ऑफ द यूपीएससी सीएसई. आपको Unacademy आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए वन ईयर की जो फीस है वो 57,600 है आफ्टर यूजिंग माय रेफरल कोड PN लाइव और टू ईयर्स की जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो 89,100 है आफ्टर यूजिंग माय रेफरल कोड PN लाइव. ठीक है, तो मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा हमेशा टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी सीएसई. मैं आपको वेलकम करूंगा कि ये रेफरल कोड को यूज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो. 89,000 फॉर टू इयर्स एंड 57,000 फॉर दी वन ईयर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इसके सिवा अगर आप नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो जहां पे आपको बेसिक फैसिलिटीज तो सब कुछ मिल ही जाती है, जहां पे मैं एक टीचर के रूप में तो आपके साथ जुड़ूंगा ही, आइकॉनिक में क्या होगा कि प्लस एक मेंटर होगा जो आपको हेल्प करेगा इन द प्रिपरेशन. ठीक है, ये पर्सनल कोच का कंसेप्ट है, डेली आपके लिए सुपरविजन रखेगा, आपका ध्यान रखेगा कि कहां आपके वीकनेस है, कहां आपके फायदे हो रहे हैं. ठीक है, तो नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन है वो तो वन मंथ से लेके 24 मंथ तक अवेलेबल है, पर प्लस के अंदर भी मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप वन ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा. वन ईयर का सब्सक्रिप्शन नॉर्मल Unacademy Plus के ऊपर जो है वो 39,600 में हो जाएगा आफ्टर यूजिंग माय रेफरल कोड PN लाइव. और अगर आप टू ईयर्स का लेना चाहते हो तो 64,000 है और यहाँ पे भी अगर आप टू ईयर्स का सब्सक्रिप्शन में PN लाइव यूज करोगे तो 57,600 में कवर हो जाएगा. ठीक है, ये नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन है जहाँ मैं टीचर के रूप में आपके साथ जुड़ा हुई हूँ. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मैं टीचर के साथ तो तभी आपके साथ जुड़ा ही रहूंगा एज एन एजुकेटर, बट एक और रिसोर्स पर्सन आपके लिए ऐड होता है. ये काफी प्रिपरेशन में हैंडफुल भी रहेगा. इसके सिवा बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं कि सर नया कोर्स कब आएगा आपका. तो नया कोर्स मेरा एंशिएंट इंडिया के ऊपर आ रहा है. प्लीज यूज माय रेफरल कोड PN लाइव, यू विल गेट 10% डिस्काउंट फॉर द सेम इन द प्रिपरेशन फेज एज वेल. चलिए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. हमने प्रीवियस क्लास के अंदर विजुअल आर्ट के चैप्टर को पढ़ा था. देखिए नई एनसीईआरटी का जो नया एडिशन है उसमें यह चैप्टर उड़ा दिया गया है. ठीक है, सो ये हमने पुराना या जो प्रीवियस क्लासेस देखे थे
उसमें ये विजुअल आर्ट का चैप्टर कहीं पे भी नहीं दिखेगा। ये विजुअल आर्ट का चैप्टर अगर आपको देखना है तो आपको ओल्ड एडिशन देखना पड़ेगा ऑफ द न्यू एनसीईआरटी। किताब की नाम तो नई एनसीईआरटी ही है, ठीक है, पर उसमें क्या है कि कुछ कुछ चैप्टर इन्होंने डिलीट कर दी है, दे हैव डिलीटेड सर्टेन चैप्टर्स। तो उसमें ये जो चैप्टर है पेंटिंग का, ये पेंटिंग का चैप्टर उड़ा दिया है एनसीईआरटी वालों ने। बट मुझे लगता है कि ये आपको पीटी के अंदर क्वेश्चन काम में आ सकता है, दे कैन आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम द आर्ट एंड कल्चर साइड इन दिस चैप्टर। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी खत्म होगी तो क्या मुझे भी थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छा लगेगा कि चलिए भाई एक एनसीईआरटी हमने निपटाई है, अब हमले के लिए थोड़ा लोड कम हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था कि इंडिया में पेंटिंग्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ और किस तरह से पेंटिंग्स की शुरुआत हुई, वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि विजुअल आर्ट के अंदर पेंटिंग का बहुत ही अपना इंपॉर्टेंस है। ये ब्रिटिश एज के अंदर इंडिया में पेंटिंग्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो पहले प्राचीन भारत के अंदर और मध्यकालीन भारत के अंदर, एंशियंट इंडिया और मिडिवल इंडिया में ऑलरेडी पेंटिंग का डेवलपमेंट हो चुका था। एंशियंट इंडिया और मिडिवल इंडिया के अंदर पेंटिंग का डेवलपमेंट हो चुका था। ये दोनों एजेस के अंदर हमको देखने को मिलता है कि पेंटिंग का डेवलपमेंट हो चुका है, द पेंटिंग डेवलपमेंट हैड ऑलरेडी बीन टेकन प्लेस। ठीक है, अब हमको देखना यह है कि मॉडर्न इंडिया तक आते आते कैसे पेंटिंग्स का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो मॉडर्न एज के अंदर इन द प्रीवियस सेशंस मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि मॉडर्न एज में पेंटिंग, इनफैक्ट ब्रिटिश जब आए तो उन्होंने अलग अलग प्रकार के पेंटिंग बनाए। एक तो पिक्चरेस्क्यू लैंडस्केप पेंटिंग बनाए, दूसरे पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाए और हिस्टोरिकल पेंटिंग्स बनाए, जो उनकी जो घटनाएं थी, उनके लाइफ के साथ जुड़ी हुई इवेंट्स थी, उन सबको इकट्ठा करके इन्होंने पेंटिंग बनाए। इसके सिवा इनफैक्ट पेंटिंग का जो विषय था, द सब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग वॉज रियलिज्म। रियलिज्म का मतलब क्या होता है कि उनको जो जो दिखता था, उनको जो इंडिया में सीन सीनरी दिखती थी, उनको यहाँ पे पहाड़, खेत, खतियान, जो भी दिखता था, उनको अपने सिटीज दिखते थे, उन सब के ऊपर उन्होंने पेंटिंग बनाए। ऑयल कलर का यूज किया, ब्रिटिशर्स की सुपीरियरिटी, ब्रिटिशर्स इनविंसिबल है, इनविंसिबल समझ में आता है आपको कि वो आजाद है, मतलब वो अजय है, उनको कोई हरा नहीं सकता। ये सब पॉइंट आपको पेंटिंग्स के अंदर मिलेगा और जो प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर ब्रिटिश ने कॉन्क्वेस्ट किया था, उन सब पॉइंट्स को इकट्ठा करते हुए इंडिया में पेंटिंग्स के डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ये सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस की था कि कैसे इंडिया में पेंटिंग्स जो है मॉडर्न पेंटिंग्स की शुरुआत होती है, और मैंने आपको नेम ऑफ द पेंटर्स भी बताया था। इन द प्रीवियस क्लासेस आई हैव गिवन यू द नेम ऑफ द पेंटर्स कि कौन से पेंटर्स ने काम किया है। ठीक है, तो ये डेविड विल्की है, रॉबर्ट केन पॉटर करके एक थे, या थॉमस एंड विलियम डैनियल हुआ करते थे, इन सब के नाम भी मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बता दिए हैं। तो इतना पॉइंट हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था। अब यहां से आगे चलते हैं कि इंडिया में जब इंपीरियल पेंटिंग्स की शुरुआत होती है, किसकी शुरुआत होती है, इंपीरियल पेंटिंग्स की शुरुआत होगी, किसकी शुरुआत होगी, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। जब इंपीरियल पेंटिंग्स की शुरुआत होगी, मतलब जो कंपनी बनाती है या ब्रिटिश बनाते हैं, इंपीरियल पेंटिंग का मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश रूल के दौरान जो पेंटिंग बनते हैं उसकी इंपैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ेगी, व्हाट विल हैव द इंपैक्ट ऑन द इंडियन पेंटिंग्स। ठीक है, अब इंडिया के अंदर क्या इसकी इंपैक्ट पड़ती है, इसके ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ द इंपीरियल पेंटिंग्स ऑन द ट्रेडिशनल पेंटिंग्स ऑफ इंडिया। भारत में जो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स चल रहे थे उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ती है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एनसीईआरटी के सेंट्रिक। अब हमेशा याद रखिएगा, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रेडिशनल पेंटिंग्स इन इंडिया, जब हम लोग भारत के अंदर ट्रेडिशनल पेंटिंग्स की बात करते हैं, तो ब्रिटिश रूल के कारण इंडिया की जो ट्रेडिशनल पेंटिंग सिस्टम है ये कैसे इनफैक्ट पूरी तरह से चेंज होती है, उन सब पॉइंट्स के ऊपर चले जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई एनसीईआरटी में, क्या क्या पॉइंट्स रेज किए गए हैं इसको लेके। अब देखिए एनसीईआरटी में क्या क्या पॉइंट लिखे गए हैं। ठीक है, सो व्हेन द ब्रिटिश स्टार्टेड रूलिंग ओवर इंडिया, व्हाट हैपन टू द कोर्ट आर्टिस्ट। कोर्ट आर्टिस्ट का मतलब क्या है कि जो राजा के दरबार में बैठ के जो कारीगर पेंट किया करते थे उनके साथ क्या हुआ। दूसरा पूछा गया है, व्हाट हैपन टू द आर्टिस्ट हु अर्लियर पेंटेड मिनिएचर्स। पुराने काल के अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो मिनिएचर्स बनाते थे, खास करके मुगल्स के दौरान। ठीक है, जो मुगल्स के टाइम था उस दौरान छोटे चित्र बहुत बनते थे, लघु चित्र कहते हैं मिनिएचर्स के रूप में। ठीक है, तीसरा पूछा गया है कि हाउ डिड द पेंटर्स एट द इंडियन कोर्ट्स रिएक्ट एट द न्यू ट्रेडिशन ऑफ द इंपीरियल आर्ट। भारत के जो पेंटर्स थे उनका रिएक्शन क्या हुआ करता था, इन सब पॉइंट्स के ऊपर एनसीईआरटी ने प्रश्न उठाया। अब देखिए इंडिया में है ना दो प्रकार के पेंटिंग्स तब बनते थे, एक वो पेंटिंग है जिसे हम लोग कहते हैं म्यूरल्स। म्यूरल्स का मतलब क्या होता है दोस्त, याद रखिएगा कि इसको वॉल पेंटिंग्स के रूप में पहचाना गया। किसके रूप में, वॉल पेंटिंग के रूप में पहचाना गया। क्यों वॉल पेंटिंग, क्योंकि ये दीवारों के ऊपर होता है, बड़ी बड़ी वॉल्स के ऊपर, सरफेस के ऊपर होता है। ठीक है,
दूसरा आपको मिनिएचर मिलेगा, ये स्मॉल साइज है, इट्स अ वेरी स्मॉल साइज पेंटिंग, और जनरली एक कैनवास के ऊपर होता है या पोर्ट्रेट के रूप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो छोटा सा कैनवास होगा, एक टुकड़ा होगा उसके ऊपर, और बहुत ही बारीक से छोटी 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 जो माइन्यूट डिटेलिंग है वो माइन्यूट डिटेलिंग को भी इसके अंदर कवर किया जाएगा, ठीक है। सो वी सी मल्टीपल थिंग्स, बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पे मिलती है जो पेंटिंग के रूप में काफी एडवांटेजेस भी थी, और काफी अद्भुत प्रकार के पेंटिंग्स का आपको डेवलपमेंट भी मिलेगा। अब देखिए आगे समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट ट्रेंड्स कैन बी सीन इन द डिफरेंट कोर्ट्स, ठीक है। भारत के अलग अलग जो राजा लोग थे उन्होंने पेंटिंग्स को कैसे संवारने की कोशिश की अपने रजवाड़े के अंदर, अपने किंगडम के अंदर। अब उसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉगी यहाँ पे लिखी गई है टीपू सुल्तान के बारे में, ठीक है। अब देखिए टीपू वॉज वन सच पर्सन हु वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर भी बताया था, और हमने जब ये एड्स के एनसीईआरटी को शुरू किया था तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि जब एंग्लो मैसूर वॉर होता है, कि कौन सी लड़ाई होती है, जब एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1766 से लेके 1799 तक, इस दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के शासकों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई। ये लड़ाई जब हो रही है, व्हेन द फाइट वॉज टेकिंग प्लेस, इस दौरान टीपू को भी रेजिस्टेंस करना था अगेंस्ट द ब्रिटिश, टीपू एंड हैदर अली, मतलब जो उसके फादर हुआ करते थे। ये टीपू पॉलिटिकली तो फाइट कर रहा है अंग्रेजों से, टीपू ने डिसाइड किया था कि मैं कल्चरली भी अंग्रेजों से फाइट करूंगा, ठीक है। कल्चरल फाइटिंग का मतलब क्या है कि आई विल नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ ब्रिटिश कल्चर टू बी इम्पोज ऑन द स्टेट ऑफ मैसूर। मैसूर नाम का जो रजवाड़ा है इसके ऊपर ब्रिटिश कल्चर और ब्रिटिश आर्किटेक्चर, ब्रिटिश पेंटिंग्स हावी नहीं होना चाहिए। और उसके कारण टीपू ने क्या किया कि उसके वहां पे जो श्रीरंगपट्टनम करके जो जगह है, या सेरिंगपट्टनम जो उसका किला हुआ करता था, जहां पे इनफैक्ट उसकी मौत आ जाती है जब फाइनल फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर कंक्लूड होगा उसके बाद, तो वहां पे टीपू ने क्या किया कि उसकी जो दीवार थी, द वॉल्स ऑफ द पैलेस ऑफ श्रीरंगपट्टनम वर कवर्ड बाय द म्यूरल पेंटिंग्स डन बाय द लोकल आर्टिस्ट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। सो वी सी द पेंटिंग्स ऑफ द फेमस बैटल ऑफ पोलीलूर, कौन सी बैटल है, 1780 के अंदर होती है द बैटल ऑफ पोलीलूर, इन विच टीपू एंड हैदर अली डिफिटेड द इंग्लिश ट्रूप्स। वेरी फेमस बैटल, याद रखेगा, यहां से पीटी का क्वेश्चन बनेगा कि बैटल ऑफ पोलीलूर वॉज फॉट बिटवीन हुम, समझ में आया कि नहीं आया आपको, ठीक है। सो दिस इज द बैटल ऑफ पोलीलूर, अगर आप देख रहे हो यहां पर ही आपको बैटल ऑफ पोलीलूर मिलेगा। ये बैटल ऑफ पोलीलूर 1780 में होता है, याद रखेगा। इट इज पार्ट ऑफ द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, किसके अंदर है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का पार्ट है। तो आपको कभी कभी पूछ सकता है कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद टीपू ने पेंटिंग्स बनाए थे कि नहीं बनाए थे, तो याद रखेगा कि आफ्टर द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर टीपू विल बी मेकिंग द पेंटिंग्स एज वेल, ठीक है। सो डिटेल फ्रॉम म्यूरल पेंटिंग कमीशन बाय टीपू सुल्तान एट द दरिया दौलत पैलेस एट सेरिंगपट्टनम, उसका जो पैलेस है उसका नाम क्या है, उसका जो महल है उसका नाम है दरिया दौलत पैलेस सेरिंगपट्टनम, कॉमेमोरेटिंग हैदर अलीज विक्ट्री ओवर द इंग्लिश एट द बैटल ऑफ पोलीलूर, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बैटल होगी द बैटल ऑफ पोलीलूर 1780 के अंदर। समझने की कोशिश करो कि टीपू ने इनफैक्ट किस प्रकार के पॉइंट्स को हाईलाइट कराया गया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने बहुत सारे क्वेश्चंस रेस किए हैं, आपको पूछा है कि क्यों इस प्रकार के पेंटिंग्स होते हैं, बट आप समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे टीपू की सेना है, हैदर अली की सेना है, यहाँ पे उसके सोल्जर्स है, यहाँ पे खुद इनफैक्ट राजा को दिखाया गया है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स है, यहाँ टीपू खुद लग रहा है इस तरह के पेंटिंग्स के अंदर, तो इनसे हमको समझ में आता है कि कैसे इंडिया के जो रीजनल किंगडम्स है, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने भी अपने हिसाब से पेंटिंग्स को बनाने के लिए और पेंटिंग्स को है ना डेवलप कराने के लिए अपने काम किए थे, ठीक है। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, देखिए इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। अब कौन से रजवाड़ों ने पेंटिंग्स को प्रभावित किया, या कौन से प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया में पेंटिंग्स बनाए, तो तीन चार प्रकार के स्टेट्स का नाम लिखा गया है। एक तो किसका पढ़ा अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, हमने देखा कि आरकोट करके जो स्टेट है, पिछले क्लास के अंदर देखा था, आरकोट करके जो स्टेट था, मोहम्मद अली करके जो नवाब था उसने अपने पेंटिंग्स बनाए थे, ठीक है। तो मोहम्मद अली का नाम याद रखेगा, नाम याद रखेगा, मोहम्मद अली द रूलर ऑफ आरकोट विल बी मेकिंग द पेंटिंग्स फॉर हिमसेल्फ, वो अपने लिए पेंटिंग्स बनाएगा, पहला पॉइंट। उसके सिवा सेकेंड पॉइंट की जब हम लोग बात करते हैं, वेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकेंड पॉइंट इन दिस होल फेज, तो हमको सेकेंड पॉइंट के अंदर क्या मिलता है, इन द सेकेंड पॉइंट व्हाट डू वी फाइंड, हमको क्या देखने को मिला यहां पे, मुर्शिदाबाद करके जो जगह है, मुर्शिदाबाद करके जो जगह है कहां पे है, बंगाल के अंदर है, वहां पे भी आपको मिलेगा। फिर यहां पे मैंने आपको बताया मैसूर के अंदर भी पेंटिंग्स बनते हैं,
और मैसूर में किसने बनाया? टीपू ने बनाया, टीपू और हैदर ने बनाया। मुर्शिदाबाद में कौन बनाएगा? हु विल बी मेकिंग द पेंटिंग्स एट मुर्शिदाबाद, इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके अंदर एनसीईआरटी क्या लिखती है कि इन द कोर्ट ऑफ मुर्शिदाबाद वी सी ए डिफरेंट ट्रेंड। मुर्शिदाबाद के अंदर भी पेंटिंग्स बनते हैं, वहां के जो रीजनल स्टेट्स थे वो भी पेंटिंग बनाएंगे। हियर आफ्टर डिफीटिंग सिराजुद्दौला द ब्रिटिश हैड सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड देयर पपेट नवाब्स ऑन द थ्रोन कॉल्ड एज मिर जाफर एंड देन मीर कासिम। आपको जानकारी होगी कि जब बैटल ऑफ प्लासी खत्म हुई उसके बाद सिराजुद्दौला को तो खत्म कर दिया जाता है। मीर जाफर गद्दार था जो उसका मीर बख्शी हुआ करता था। मीर जाफर यूज टू बी द सेनापति ऑफ सिराजुद्दौला आर्मी एंड इसके कारण अंग्रेजों ने मीर जाफर को पहले नवाब बनाया, फिर मीर जाफर को हटा दिया जाता है और उसके बाद मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है। मीर कासिम उसी का ही जमाई हुआ करता था, ठीक है। द कोर्ट ऑफ मुर्शिदाबाद एंकरेज लोकल मिनिएचर आर्टिस्ट टू ऑब्जर्व द टेस्ट एंड आर्टिस्टिक स्टाइल्स ऑफ द ब्रिटिश। तो अंग्रेजों के अंदर से ये अंग्रेजों की जो पद्धति थी वो यहाँ पे मुर्शिदाबाद के आर्टिस्ट ने स्वीकार ली, ठीक है। यू कैन सी इन दिस फिगर 11 द फीचर ऑफ एन ईद प्रोसेशन पेंटेड बाय कोर्ट पेंटर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। इफ यू कैन सी ओवर हियर आपको ये ईद का प्रोसेशन मिलता रहता है, गेटिंग माय पॉइंट नॉट, है ना। तो लिखा गया है कि नवाब मुबारक दौला ऑफ मुर्शिदाबाद एट एन ईद प्रोसेशन मिनिएचर कॉपी बाय अ लोकल पेंटर ऑफ एन ऑयल पेंटिंग By the visiting British artist G. Farrington, ठीक है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ऑयल पेंटिंग्स का यूज किया गया है। मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस जब ऑयल पेंटिंग में होता है उसके कारण इंडिया के भी बहुत सारे पेंटर्स थे जो ऑयल पेंटिंग बनाने की शुरुआत कर देंगे, ठीक है। वो होता है ना कि ब्रिटिशर्स ने बनाया तो हमको भी बनाने की जरूरत है, गेटिंग माय पॉइंट। तो इस प्रकार से आपको पेंटिंग मिलेंगे, वी सी मल्टीपल पेंटिंग्स जो इंडिया के अंदर बनने की शुरुआत होती है विद द एंट्री ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। तो ये बहुत फेमस पेंटिंग है, कभी कभी आपको पूछ जाता है पेंटिंग का जो प्रकार है कि किस किस प्रकार के पेंटिंग किसने बनाए हैं, कहाँ कहाँ बनता रहता है, ठीक है। दिस इज पिक्चर ऑफ एन इन प्रोसेशन पेंटेड बाय अ कोर्ट पेंटर इन द लेट 18th सेंचुरी। नोटिस हाउ द लोकल मिनिएचर आर्टिस्ट ऑफ मुर्शिदाबाद बिगेन एडप्टिंग द यूरोपियन रियलिज्म। क्या लिखा है कि जो यूरोपियंस पहले बनाते थे ऑयल कलर्स का यूज करते थे डेली, अपनी कोर्ट एक्टिविटीज को इंक्लूड करते थे, वैसी पॉइंट इंडिया के अंदर भी बनाने की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। सो दे यूज पर्सपेक्टिव विच क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट दैट आर नियर एंड दोज एट अ डिस्टेंस, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं एक्चुअली, ये जो पेंटिंग होता है ना, ये पेंटिंग अगर आप देखोगे तो इसमें आपको बहुत सारा आपको है ना जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है उसको अलग प्रकार का दिखेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आप नजदीक से देख रहे हो, हाथी आपको बड़ा दिख रहा है, फिर पीछे जो इंसान है वो छोटे दिख रहे हैं, फिर और पीछे वाले इंसान देखोगे तो छोटे दिख रहे हैं। तो नॉर्मली भी हमको यही दिखता है ना साहब, हम जब खड़े होते हैं कहीं पे भी खड़े होते हैं तो हमारे नजदीक में जो बंदा होगा वो सबसे नजदीक में और बड़ी साइज का दिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा दूर जाएगा तो उसकी साइज छोटी हो जाएगी, और दूर जाएगा तो आपको धुंधला धुंधला दिखेगा, आपको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि कोई खड़ा है वहां पे, वी आर नॉट एबल टू सी, कोई एक इंसान वहां खड़ा है, ठीक है। तो वैसा ही पेंटिंग इन्होंने बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसी के लिए इसको क्या कहते हैं, रियलिस्टिक पेंटिंग कहते हैं ना, रियलिज्म के रूप में पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं दोस्त? दिस इज नोन एज रियलिज्म। रियलिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि सच्चाई दिखती है पेंटिंग के द्वारा। तो इंडिया में पहले इस प्रकार के पेंटिंग नहीं होते थे, पर मैंने आपको बताया कि व्हेन द ब्रिटिश एंटर्ड इंडिया, जैसे ही अंग्रेज भारत में आए तो इन्होंने रियलिस्टिक पेंटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया। ये रियलिस्टिक पेंटिंग से ही मोटिवेटेड होके हम कह सकते हैं कि इंडिया के जो पेंटर्स थे इन्होंने भी बनाने की शुरुआत कर दी, ठीक है। तो इस प्रकार की वी फाइंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ पेंटिंग जो रियलिज्म को आइडेंटिफाई कराती है, रियलिस्टिक पेंटिंग को कहीं ना कहीं फोकस कराती है, और यहाँ से ही आपको अलग अलग प्रकार के पेंटिंग्स भी मिलने की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। सो दे यूज द लाइट एंड शेड टू मेक द फिगर्स लुक लाइक लाइफ एंड द रियल, ठीक है। तो इन्होंने है ना रियलिस्टिक पेंटिंग बनाने की, हाईलाइट करने की कोशिश की। अब देखिए क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे पहले इंडिया के अंदर ट्रेडिशनल पेंटिंग के अंदर राजा जो थे, प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा थे, वो लोग पेंटर्स को आश्रय दिया करते थे, दे यूज्ड टू गिव मनी, दे यूज्ड टू गिव सैलरी टू द पेंटर्स। अब क्या हो गया कि विद द डिक्लाइन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया, जैसे ही भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य का जो सूर्योदय है, या मैं कहूँगा कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है उसका वो है ना कि सूर्य उदय होने की शुरुआत होती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स है सब बेकार हो गए। अब प्रिंसली स्टेट बेकार हो गए तो पेंटर्स क्या करेंगे, व्हाट विल द पेंटर्स डू, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। सो इन दिस सिचुएशन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर्स मेनी ऑफ द लोकल कोर्ट्स लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस एंड वेल्थ, दे कुड नो लॉन्गर सपोर्ट द पेंटर्स एंड पे देम इन द पेंट फॉर देयर कोर्ट। एंड यहां से प्रश्न आता था कि पेंटर्स क्या करेंगे। अब देखिए
पहले क्या था कि स्थानिक रजवाड़े थे, वो लोग पेंटर्स को अपना जॉब दिया करते थे, उनको सैलरी वैलरी देते थे, उनके लिए कुछ ना कुछ बना के उनको है ना कुछ ना कुछ उनका घर बार चल जाता था, ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि अब ये कंडीशन हो गई है पेंटिंग के अंदर कि अब राजा खुद नहीं बचा है, क्योंकि राजा अब अंग्रेजों के अंडर आ चुका है, अब राजा खुद अंग्रेजों के अंडर आ चुका है, राजा खुद नहीं बचा है, तो अब पेंटर क्या करेगा। तो बहुत सारे पेंटर्स क्या करते हैं, अंग्रेजों के साथ चले जाते हैं, अंग्रेजों के साथ जाके कहते हैं कि साहब हमको काम दे दो, अब हमारे पास कोई काम बचा नहीं है, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन व्हाट डू वी फाइंड, हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको ये देखने को मिला कि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने इनफैक्ट बहुत सारी इमेजेस भारत के अंदर से लेने की कोशिश की, और यहाँ के जो लोकल पेंटर्स थे उनकी भी मदद से बनाने की शुरू की, ठीक है। दो तीन पॉइंट यहाँ लिखी गई है। एट द सेम टाइम ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु फाउंड द वर्ल्ड इन द कॉलोनीज डिफरेंट फ्रॉम दैट बैक होम वॉन्टेड इमेजेस थ्रू विच दे कुड अंडरस्टैंड इंडिया, रिमेंबर द लाइफ इन इंडिया, डिपिक्ट इंडिया टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो इनफैक्ट जो बाहर से आता था वो भारत के पेंटिंग बहुत लेके जाता था। वी फाइंड लोकल प्रिंटर्स प्रोड्यूसिंग वास्ट नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द लोकल प्लांट्स एंड एनिमल्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, फेस्टिवल्स एंड प्रोसेशंस, ट्रेड्स एंड क्राफ्ट, कास्ट एंड कम्युनिटीज। अलग अलग प्रकार के पेंटिंग भारत के पेंटर्स ने बनाए, किसके लिए बनाए, अपने गोरे बाबू के लिए, गोरे साहब के लिए बनाए। क्यों? क्योंकि गोरे साहब अगर 5 साल के लिए इंडिया आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए, एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में आए, तो उनको ऐसा था कि भाई हम कुछ मेमोरी बना के लेके जाए, हमारा भी खुद का कुछ होना चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सब सिचुएशन में क्या देखने को मिल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने इनफैक्ट इंडिया के लोकल पेंटर्स से पेंटिंग बनाने की शुरुआत की, और इसके लिए उनको क्या कहा जाता है, कंपनी पेंटिंग्स के रूप में भी कहा जाता है, ठीक है। सो वी फाइंड द वर्ड कंपनी पेंटिंग्स जो मॉडर्न पेंटिंग्स के अंदर हमको मिलेगा, और यहाँ से ही आपके कंपनी पेंटिंग्स की शुरुआत हो जाती है बहुत सारी जगह के ऊपर। अब देखिए कंपनी पेंटिंग्स जो थे वो इनफैक्ट खासियत क्या हुआ करती थी, उसकी खासियत आपको यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। इन कंपनी पेंटिंग सच एज दिस वन पीपल आर पेंटेड अगेंस्ट एम्प्टी स्पेसेस। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ कुछ लोगों को पेंट किया गया है इन द ट्रेडिशनल क्लोदिंग, बट इनके पीछे कुछ नहीं है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उसके सामने अगर आप ये इमेज देखोगे तो यहाँ पे क्या है, पीछे बहुत सारी कुछ कुछ चीजें हैं, मस्जिद डाला हुआ है, फिर कोई एक प्रोसेशन है, ईद का वो त्योहार था इसके लिए इनफेक्ट उसको हाईलाइट कराया गया है। बट हियर इन दिस केस वी डू नॉट फाइंड कि एक पेंटिंग के अंदर बहुत सारे लोग हैं बट दे आर नॉट हैविंग सम काइंड ऑफ बैकग्राउंड। इसके पीछे ना कोई मंदिर है, ना कोई गांव है, ना कोई शहर है, ठीक है। तो इसके लिए इसको हाईलाइट किया गया है, ठीक है। वी हैव नो आइडिया ऑफ द सोशल सराउंडिंग्स विद इन विच दे लिव्ड अ वर्क। द पेंटिंग ट्राई टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द विजिबल फीचर्स थ्रू विच पीपल एंड कम्युनिटी कुड बी रिकॉग्नाइज विथ ईज बाय पीपल फ्रॉम फॉरेन लैंड्स। एक्चुअली इनका क्या एक ही टारगेट था, इनको खाली आइडेंटिफाई करना था कि ये बंदा कौन है या ये इंसान जो खड़े हैं वो कौन है। तो इसी के कारण हमको देखने को मिल रहा है कि कपल्स को आइडेंटिफाई कराया गया स्त्री और पुरुष, ठीक है, मेल फीमेल को, जो तांजोर के अंदर रहने वाले लोग थे, जो इनफैक्ट कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स के रूप में बताया गया। तो ये लोग जब वापिस जाते थे तो अपने घर वालों को दिखाते थे, देखो इंडिया में ऐसे लोग रहते हैं, इंडिया में ऐसे लोग रहते हैं, इंडिया में ऐसे लोग रहते हैं, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इस प्रकार से पेंटिंग बनने की शुरुआत हो गई जिसे हम लोग कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स के रूप में पहचानते हैं। ये कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स ईस्ट इंडिया कंपनी जब पावर के ऊपर आएगी उसके बाद काफी बड़ी मात्रा में बनेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पेंटिंग, पिक्चरेस्क्यू, पोर्ट्रेट, हिस्ट्री, एक चौथा पेंटिंग का टाइप बना, कौन सा बना दोस्त, उसे हम लोग कहेंगे कंपनी स्टाइल। क्या कहेंगे साहब? कंपनी स्टाइल, याद रखेगा, ठीक है। ये सब नाम आपको पता होने चाहिए, आपके पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते रहते हैं यहाँ से, ठीक है। सो कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग की शुरुआत होती है, ये कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स आपको काफी बड़ी मात्रा के अंदर देखने को मिलता रहेगा। अब देखिए दो तीन प्रकार के पेंटिंग बनते हैं, एक तो कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग बने, दूसरे इंडिया में फोक पेंटिंग्स बनते हैं। इस दौरान फोक पेंटिंग्स का मतलब क्या है कि जो लोक कला के रूप में डेवलप हुई है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि काइंड ऑफ वो है ना कि कॉमन मैन अपने जो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करता था, मंदिर कहीं पे जाता था या कहीं कोई मेला त्योहार हो जाता है वहां पे सेलिब्रेशन होते थे, तो उसके ऊपर से भी पेंटिंग बनेंगे, ठीक है। सो इस तरह से 19th सेंचुरी तक आते आते क्या होता है, 19th सेंचुरी तक आते आते बहुत सारा पॉपुलर आर्ट डेवलप होता है जो फोक आर्ट के रूप में हमको इंडिया के पेंटिंग्स के अंदर मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा? फोक आर्ट के रूप में मिलेगा, वो लोक कला के रूप में मिलता रहता है। अब बंगाल के अंदर आपको पता है काली माता का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो वी सी कि बंगाल के अंदर आपको जो कालीघाट का मंदिर है,
कालीघाट का जो मंदिर है वहां पे स्क्रॉल पेंटिंग मिलेगा। स्क्रॉल पेंटिंग समझ में आता है आपको? ठीक है, स्क्रॉल पेंटिंग क्या होता है कि ये बड़ा सा एक स्क्रॉल है, कागज का टुकड़ा होता है, या मैं कहूंगा कि एक बड़ा सा कपड़ा है, उसको लपेट दिया है बांबू के अंदर। ठीक है, बांबू जनरली दोनों साइड के ऊपर लकड़ी होती है, फिर उसको यूं खोल दिया जाता है। अब खोलते हो तो क्या होता है कि उसके अंदर से पेंटिंग दिखेगा आपको। ठीक है, सो वी सी के स्क्रॉल पेंटिंग जो है, ये स्क्रॉल पेंटिंग्स आपको बड़ी मात्रा में मिलेंगी। इसको स्क्रॉल किया जा सकता है, इसको पूरी तरह से रोल किया जा सकता है। ठीक है, सो इन बंगाल अराउंड द पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ द टेम्पल्स ऑफ कालीघाट, याद रखेगा, लोकल विलेज स्क्रॉल पेंटर्स कॉल्ड एज द पटुआ, याद रखेगा, पटुआ आर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्रॉल पेंटिंग्स, एंड द पॉटर्स कॉल्ड एज द कुमोर्स इन द ईस्टर्न इंडिया एंड कुम्हार्स इन नॉर्थन इंडिया बिगेन डेवलपिंग अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुम्हार का नाम सुना है कि नहीं सुना? जो माटी के बर्तन बनाता है, माटी के जो वेसल्स बनाता है, उसे कुम्हार कहता है। ठीक है, तो कुम्हार लोग जो है उन्होंने इनफैक्ट अलग अलग प्रकार के पेंटिंग बनाने की शुरुआत की स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में, उसे पटुआ आर्ट के रूप में पहचानते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पटुआ, तो पटुआ का नाम पता होना चाहिए। अब ये लोग क्या करते थे, ये लोग है ना एक गांव से दूसरी गांव के अंदर घुमा करते थे, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो जब एक गांव से दूसरे गांव के अंदर घुमा करते थे तो यहाँ पे इनफैक्ट इनको क्या है, सैलरी, सैलरी तो नहीं पर पब्लिक थोड़ा बहुत डोनेट कर देती थी, और इस प्रकार से इन्होंने स्क्रॉल पेंटिंग बनाया। जैसे ये आपको हनुमान और जम्बुवन के फाइट दिखाई गई है। ठीक है, सो वी फाइंड अ पेंटिंग बिटवीन हनुमान जी एंड जम्बुवन, जहां दोनों के दोनों कन्फ्लिक्ट के ऊपर आए हैं। इस प्रकार के पेंटिंग भी आपको यहां से मिलते रहेंगे। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दे मूव फ्रॉम द सराउंडिंग विलेजेस इनटू द कैलकटा इन द अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में आए। दिस वाज अ टाइम व्हेन द सिटी वाज एक्सपैंडिंग एज अ कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, कॉलोनियल मार्केट्स वर ओपनिंग अप, न्यू बिल्डिंग्स एंड रोड्स वर आल्सो बिल्ड, द सिटी अपीयर्ड एज अ प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी वेयर पीपल कुड कम टू मेक अ न्यू लिविंग। लोग कलकत्ता के अंदर आने, शिफ्ट होने की शुरुआत हो जाते हैं। बहुत सारे गांवों के आर्टिस्ट थे वो शहर में आके शुरू होते हैं बसने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमको थोड़ा बहुत नौकरी धंधा मिल जाएगा, वी विल गेट सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, हमको थोड़ी बहुत है ना वो क्या कहते हैं कि एक सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ों के कारण हमको देखने को मिलता है कि जो 19th सेंचुरी का जो टाइम था, उस दौरान जो पटुआ और कुमोर, कुमोर का मतलब क्या है, कुम्हार, कुम्हार का मतलब जो माटी के बर्तन बनाते थे, वो लोग इनफैक्ट शहर के अंदर आने की शुरुआत करते हैं और उन्होंने बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए। अब देखो ये लोग क्या थे, पहले गांव के अंदर रहते थे पेंटर्स जो थे पुराने, अब ये गांव से शिफ्ट होके कहाँ पे आ गए, शहर में आ गए, दे केम टू द सिटी। अब सिटी में आके कहाँ पे शिफ्ट करते हैं, वेयर दे आर शिफ्टिंग, दे विल बी शिफ्टिंग टू द प्लेस कॉल्ड एज कालीघाट। आप देख रहे होगे यहाँ पे कालीघाट करके जो जगह है, वहां पे ये लोग बसने की शुरुआत करते हैं। और मूलभूत रूप से जब हम लोग देखते हैं कि इन्होंने रिलीजियस इमेजेस जो है, ये रिलीजियस इमेजेस को कहीं ना कहीं पेंट करने की शुरुआत की, मूलभूत रूप से हमको यही देखने को मिलता है कि इनके जो स्क्रॉल पेंटिंग से इनकी फिगर्स बहुत ही फ्लैट फिगर्स हुआ करती थी। फ्लैट फिगर समझ में आता है कैसी होती है, तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो हमको देखने को मिलता था इनिशियली जो पेंटिंग्स थी उसमें फ्लैट दिखती थी, बट लेटर ऑन इन्होंने इनफैक्ट राउंडेड फिगर्स बनाने की शुरुआत की टू मेक इट लाइक अ थ्री डायमेंशनल। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पे थोड़ी बहुत 3D इमेजेस की आपको परछाई दिख जाएगी। ठीक है, इफ यू कैन सी ऑन द टॉप मेरे पीछे जो है वहां पे 3D इमेजेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा कि इंडिया के जो ट्रेडिशनल पेंटिंग बने हैं अगेंस्ट द कंपनी, तो वो रियलिस्टिक नहीं बनते थे। रियलिस्टिक क्यों नहीं बनते थे, क्योंकि हमने भगवान जी की जो वार्ताएं हैं, मंदिर में जो देवी देवताओं की वार्ता है, उन सबको हमने हाईलाइट करने की कोशिश की है, और इसी के कारण हमको देखने को मिलता है कि जो फिगर्स जो थे वो काफ़ी पावरफुल फिगर्स बनते थे, बहुत ही लार्ज फिगर बनाने की कोशिश की जाती थी। जैसे कि अगर आप देख रहे हो यहाँ पे हनुमान जी, और आपको इनफैक्ट है ना जम्बुवन के बीच में लड़ाई करने की एक जो वार्ता है, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, रामायण अगर आपने देखी होगी, बाय द वे लॉकडाउन के अंदर तभी भी आपको हनुमान जी और जम्बुवन की ये कथा आपको मिलेगी, उसके ऊपर से पेंटिंग किया गया है। अब ये पेंटिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो हनुमान जी को चप्पल पहना हुआ दिखा, अभी कभी देखा है आपने हनुमान जी चप्पल पहने हुए, साहब पूरा रामायण बिना चप्पल का निकल जाता है, गेटिंग अ पॉइंट? बट ये क्या है कि रीजनल वेरिएशन इन्होंने फोक आर्ट के अंदर लिया हुआ है, दे हैव टेकन रीजनल वेरिएशन इन द फोक आर्ट, क्योंकि आर्टिस्ट को लग रहा है कि हमको थोड़ा बहुत है ना रीजनली चेंज कर सकते हैं, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? उसी तौर के ऊपर
अगर आप देख रहे हो कि गोरे लोग द व्हेन द ब्रिटिश वर रूलिंग ओवर इंडिया, ये लोग शिकार विकार करने जाया करते थे, दे यूज्ड टू गो टू द हंटिंग, तो हंटिंग के सीन्स को भी डिपिक्ट किया गया है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाउ द पटुआज डिपिक्टेड द इंग्लिश लाइफ इन इंडिया, इन द कॉलोनीज द इंग्लिशमैन लव टू हंट, दे सॉ हंटिंग एज अ स्पोर्ट दैट कुड डेमोन्स्ट्रेट देयर करेज एंड मैनलीनेस, ठीक है, हम है ना मजबूत लोग है, तो उन्होंने ये हंटिंग को कैसे आइडेंटिफाई कराया है, दे हैव आइडेंटिफाइड द हंटिंग इन दिस वे, इस तरह से हंटिंग को आइडेंटिफाई कराया हुआ है कि देखिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ से चीज़ों को लेके आ रहे हैं, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये सब पॉइंट से हमको समझ में आता है कि जो जो हंटिंग है, इन सब चीज़ों को इन्होंने पेंटिंग्स के द्वारा आइडेंटिफाई कराने की कोशिश की है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कालीघाट पेंटिंग है, कालीघाट पेंटिंग है, ये कालीघाट पेंटिंग की अपनी खुद की ही सिग्निफिकेंस हमको मिलती रहेगी, ठीक है। आफ्टर द 1840s, लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर वैल्यूज, टेस्ट, नॉर्म्स एंड कस्टम्स वर अंडरगोइंग रिपीट चेंजेस, द कालीघाट आर्टिस्ट रिस्पॉन्डेड टू द वर्ल्ड अराउंड एंड प्रोड्यूस पेंटिंग ऑन द सोशल एंड पॉलिटिकल थीम। अब देखिए पॉलिटिकल थीम के अंदर क्या था, तो अभी तक क्या था कि कालीघाट पेंटिंग में क्या बना, तो खाली और खाली कालीघाट पेंटिंग के अंदर हमको देखने को मिला कि जो पेंटिंग है वो पेंटिंग के अंदर हमको खासियत एक ही चीज की मिल रही थी, वो क्या थी दोस्त, वो थी आपके रिलीजन की, उनकी जो फोक लाइफस्टाइल थी उसकी, ठीक है। By the 19th century, Kalighat painting also started depicting the social life under the British. British काल में हमारी समाज व्यवस्था कैसी हुआ करती थी, वो भी Kalighat painting के अंदर हमको देखने को मिलती रहेगी। अब देखिए क्या-क्या चीजें आ जाती हैं। तो आर्टिस्ट जो था, जो भी कारीगर था, उसने हाईलाइट करने की शुरुआत की और इनफैक्ट उसने मॉक करने की शुरुआत की। द आर्टिस्ट स्टार्टेड मॉकिंग, मॉकिंग समझ में आता है उसका, है ना, मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एट द चेंजेस दे सॉ अराउंड, रिडिकुलिंग द न्यू टेस्ट ऑफ द पीपल हु स्पोक इन इंग्लिश एंड अडॉप्टेड द वेस्टर्न हैबिट्स, ड्रेस्ड लाइक साहिब, स्मोक सिगरेट और सेट ऑन द चेयर्स, ठीक है। तो कारीगर जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट लिखता है कि ये देखो हमारे लोग गोरे लोग की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुर्सी में बैठ रहे हैं, सिगरेट बिगरेट पी रहे हैं, ठीक है, तो ये कोई काम का नहीं है। तो आप समझिए कि कालीघाट पेंटिंग की थीम आपको पता होनी चाहिए, यू शुड नो द थीम ऑफ द कालीघाट पेंटिंग्स, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, दे कैन आस्क यू क्वेश्चन कि व्हाट इज द थीम ऑफ द कालीघाट पेंटिंग, आपको यहां से पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। दे मेड फन ऑफ द वेस्टर्नाइज बाबू, बाबू समझ में आता है, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिशियल्स उनको बाबू कहा जाता था। क्रिटिसाइज द करप्ट प्रीस्ट एंड वॉर्न अगेंस्ट वुमेन मूविंग आउट ऑफ द होम्स, ठीक है। तो बहुत सारे पेंटिंग्स के द्वारा मैसेज देने की कोशिश की। दे ऑफन एक्सप्रेस एंगर ऑफ द कॉमन मैन अगेंस्ट द रिच एंड द फियर मैनी पीपल हैड अबाउट द ड्रामेटिक चेंजेस ऑफ द सोशल नॉर्म्स। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने पेंटिंग से हाईलाइट कराने की कोशिश की है। कालीघाट के जो आर्टिस्ट हुआ करते थे, इन्होंने सार्केस्टिक वे के अंदर जो इंडिया के अंदर सोशल चेंजेस हो रहे थे, इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, उसको भी हाईलाइट करके उन्होंने क्रिटिसाइज करने की भी कोशिश की। अब देखो क्या क्या चीजें इन्होंने लिखी है इसके अंदर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या लिखा गया है। मैनी ऑफ दिस कालीघाट पिक्चर्स वर प्रिंटेड इन लार्ज नंबर्स एंड सोल्ड टू द मार्केट। इनिशियली द इमेजेस वर एंग्रेव्ड इन द वुडन ब्लॉक्स, ठीक है। तो पहले की पेंटिंग्स क्या थी, कालीघाट पेंटिंग्स की खासियत आपको समझा रहा हूँ। पहले है ना पेंटिंग्स के अंदर लकड़ा होता है, लकड़ा, लकड़े के ऊपर एंग्रेविंग होता था और उसके अंदर ये लोग कलर पूरा करते थे। दे यूज्ड टू फिल अप द कलर विद इन द एंग्रेवमेंट, ठीक है, जो इन्होंने एंग्रेव्स किए, मतलब है ना छोटी 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 एंग्रेविंग होती थी उसके अंदर, ठीक है। द कार्ड ब्लॉक वॉज इंक प्रेस अगेंस्ट पेपर एंड देन द वुड कट प्रिंट्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर कलर बाय हैंड, ठीक है, उसके अंदर कलरिंग किया करते थे। इन दिस वे मैनी कॉपीज कुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम ब्लॉक। बाय द लेट 19th सेंचुरी मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस वर सेटअप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच अलाउड द प्रिंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन इवन लार्ज नंबर्स, ठीक है। अंग्रेजों के आने के बाद भारत के अंदर मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हो गई थी, तो उसके कारण अब बड़ी मात्रा में पेंटिंग बनने की शुरुआत हो जाती है। दिस प्रिंट्स कुड देयरफॉर बी सोल्ड चीप इन द मार्केट, इवन द पुअर कुड बाय देम, सस्ती वो है ना दाम के अंदर पेंटिंग्स बनने की शुरुआत हो गई। बहुत सारे पेंटिंग्स जो थे, जहाँ पे कालीघाट की पेंटिंग्स की आपको छाप मिलेगी, इंडिया के अंदर जो मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस बनाने की भी शुरुआत की। कालीघाट पेंटिंग में एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है, द बाबू ऑन अ चेयर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बाबू ऑन अ चेयर का मतलब क्या है, एक भारत के एक इंसान को दिखाया गया है, एंड हु वॉज ट्राइंग टू बी सीन हिमसेल्फ एज अ ब्रिटिश, एक भारत का कोई इंसान है, कोई इनफैक्ट बंगाली बाबू को दिखाया गया है, जिसको बताया गया है कि देखिए इनफैक्ट आर्टिस्ट जो है वो इंडियंस की वो है ना मजाक उड़ा रहा है कि देखो भारत के लोग कैसे अपने आप को अंग्रेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे अंग्रेज दिखा रहे हैं, ठीक है। इन पेंटिंग लाइक दिस यू कैन सी द आर्टिस्ट फियर दैट द बाबूज विल इमिटेट द वेस्ट एंड गिव अप ऑल दैट इज वैल्यूएबल विद इन द लोकल कल्चर। द बाबू हियर इज शोन एज अ क्लाउनिश फिगर वेयरिंग शूज विद हाई हील्स
एंड सिटिंग ऑन अ चेयर विथ रिडिक्युलसली पॉइंटेड लेग्स, ठीक है। तो इस प्रकार के आपको है ना हाई हील्स के जूते और ये सब पॉइंट्स की दर्शाने की कोशिश की गई है, उसके पीछे का कारण यही है कि लोग अपनी संस्कृति भूल रहे थे, तो पेंटिंग्स के द्वारा ये सब कल्चर और संस्कृति को हाईलाइट कराने की भी कोशिश की जाती है। अब देखिए आगे क्या होता है, वॉट हैपन्स नेक्स्ट, उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ी बहुत आगे इसके ऊपर समझने की कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी क्या लिखती है रिगार्डिंग द पेंटिंग्स। अब देखिए पेंटिंग्स की जब हम लोग बात करेंगे तो नए नए पेंटर्स उभर के आए ब्रिटिश एज में, 19th सेंचुरी तक आते आते, बाय द 19th सेंचुरी तक आते आते जो इंडिया के पेंटिंग्स है वो पेंटिंग्स में एक नए फंडामेंटल चेंजेस होने की शुरुआत हो गई। अब जो नए पेंटर्स थे ये सब ब्रिटिश ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ के आए थे, दे वर ऑल ट्रेन इन द ब्रिटिश ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। ब्रिटिशर्स ने अपनी वो है ना संस्थाएं खोली थी, अपनी आर्ट स्कूल्स को डेवलप कराने के लिए अपना काम किया था। तो इन सब परिस्थितियों में हमको देखने को मिलता है कि इंडिया में ऑयल पेंटिंग और प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का मतलब है कि जो प्रेस है जो पेंटिंग करती है उसके ऊपर प्रेस किया जाता था और लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता था, आपकी फोटोग्राफ के रूप में पेंटिंग बेचा जाता था, इन सब की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। अब देखिए उन्हीं में से ही एक संस्था बनती है जिसका नाम है कैलकटा आर्ट स्टूडियो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो प्रेस के रूप में था, इट वॉज प्रोड्यूसिंग द इमेजेस ऑफ द पेंटर्स, पेंटर्स के द्वारा जो भी इनफैक्ट पेंटिंग बनाए गए थे उसको छाप के इन लोग ने बहुत पैसा बनाने की कोशिश की थी। बहुत सारे बंगाली पर्सनालिटीज को इसके अंदर पेंट किया गया था और इंडिया की जो माइथोलॉजिकल पिक्चर्स है उसको भी इन्होंने पेंट किया था। माइथोलॉजिकल पिक्चर्स का मतलब क्या है कि रिलीजन के साथ जुड़ी हुई जो भी वार्ताएं हैं उन सबको भी पेंट करने की कोशिश की थी। अब देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, माइथोलॉजिकल पिक्चर्स का मतलब क्या है कि कोई भी धर्म की बात हो गई या इंडिया के हिस्ट्री की बात हो गई, जो प्राचीन काल के अंदर जो वार्ता के रूप में हम पढ़ते थे बचपन के अंदर, उसको इन्होंने पेंट किया है। अब देखिए ये माइथोलॉजी है कि नहीं है ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, बहुत लोग कहते हैं कि इसको माइथोलॉजी लिखना ही नहीं चाहिए क्योंकि इट्स अ रियल थिंग, ये माइथोलॉजी नहीं हो सकता है, बट इट्स एन ओपन एंडेड टॉपिक, इट्स वेरी ओपन एंडेड टॉपिक, इसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे, अभी एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं उसके ऊपर ही देख रहे हैं। अब देखिए इंडिया में 19 सेंचुरी के मिडल तक आते आते नए पेंटिंग्स की शुरुआत होगी। एक तो कालीघाट पेंटिंग, कालीघाट पेंटिंग ये स्टाइल याद रखेगा कौन से प्रकार के पेंटिंग्स बने कालीघाट के अंदर, कौन कौन से पेंटर्स हुआ करते थे और वो पेंटर्स की खासियत क्या हुआ करती थी। अब देखिए इंडिया में इस प्रकार के रिलीजियस पेंटिंग बनने की शुरुआत होती है, माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स की शुरुआत होती है, जहाँ पे खेत खलियानों को, फॉरेस्ट को, माउंटेन्स को, इन सब ने नेचुरल वे के अंदर दर्शाने की कोशिश की थी। और जो भी इनफैक्ट इंडिया के जो पॉपुलर कल्चर्स थे हिंदू डीटीज के, मतलब हिंदू देवी देवताओं के, उनको भी इन्होंने पेंटिंग के अंदर ढालने की कोशिश की। जैसे कि अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे काली माता का आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। सो वी सी गॉडेस काली इज बीइंग पेंटेड एंड फिर उनको है ना पब्लिश किया जाता है इन द प्रेस और फिर ये पोस्टर के रूप में इन्होंने बेचने शुरू कर दिया, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। उसी दौर के ऊपर आपको नल दमयंती की पूरी वार्ता मिलेगी जो भी इनफैक्ट एक पेंटिंग के रूप में दर्शाई गई है, फिर इसको है ना पब्लिश किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेस, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस के रूप में आपको बहुत सारी हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, इनका भी डेवलपमेंट देखने को मिलता रहेगा। और इस तरह से हम लोग कहते हैं कि इंडिया में एक पेंटिंग की एक नई परिभाषा बननी शुरू हो गई, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा था क्या देखने की कोशिश की कि जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने पिक्चरेस्क्यू, पोर्ट्रेट, हिस्टोरिकल और कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग बनाए। अब धीरे 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 क्या हो रहा है, धीरे 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 हमको देखने को मिल रहा है कि इंडिया के जो लोग हैं इंडियन पेंटिंग्स बनाने की शुरुआत करेंगे, समझे कि नहीं समझे। और इंडियन पेंटिंग्स की हम लोग बात करेंगे तो इंडियन पेंटिंग्स में एक तो कालीघाट पेंटिंग्स की शुरुआत हो जाती है। ये कालीघाट पेंटिंग्स के फीचर्स क्या थे, मैंने आपको बताया कि कालीघाट पेंटिंग्स के जो फीचर्स थे, ये फीचर्स के अंदर हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको देखने को मिला कि पेंटिंग्स के रूप में वी कैन सी कि इंडिया की जो फोक स्टोरीज है उसको इंक्लूड किया गया है, गॉड्स एंड गॉडेसेस को इंक्लूड किया गया है, और जो पेंटिंग करने वाले जो लोग थे क्या कहते हैं, पटुआ के रूप में पहचाना जाता है, और पटुआ के साथ साथ कुम्हार्स, उनके साथ भी इन्होंने कालीघाट पेंटिंग बनाने की शुरुआत की। ये कालीघाट के अंदर थोड़ा बहुत यूरोपियन इन्फ्लुएंस लाने की कोशिश की गई और फिर उन्होंने इनफैक्ट अपने जो पेंटिंग थे कालीघाट आर्ट के रूप में, कालीघाट आर्ट फॉर्म के रूप में, याद रखेगा इनके अंदर इन्होंने इनफैक्ट एक मॉकरी ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, भारतीय सभ्यता को पूरी तरह से वेस्टर्नाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता है, मॉकरी ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, याद रखेगा ये शब्द, मॉकरी ऑफ वेस्टर्नाइजेशन
ऑफ इंडियन कल्चर, इन सब पॉइंट्स को हाईलाइट कराया। किसके द्वारा हाईलाइट कराया सर? इन्होंने कहा कि देखो भारत के लोग अंग्रेजों से ज्यादा अंग्रेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, द इंडियन पीपल आर ट्राइंग टू बिकम मोर ब्रिटिश देन द ब्रिटिश देमसेल्व्स। तो ये सब पॉइंट्स है कालीघाट के जो पेंटर्स से इन्होंने एक राष्ट्रवादी चीजों को हाईलाइट कराया। और यहां से ही इनफैक्ट एक इम्पैक्ट ये पड़ता है कि कमर्शियलाइजेशन शुरू हो गया प्रिंटिंग प्रेस के रूप में। प्रिंटिंग प्रेस के रूप में बहुत सारे पेंटिंग्स बनने की शुरुआत होगी, क्योंकि पहले पेंटर्स एक एक बनते थे और फिर वो ब्लॉक पेंटिंग किया करते थे, वो वुडन ब्लॉक के ऊपर करते थे, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। फिर जब प्रिंटिंग प्रेस की डेवलपमेंट हो गई तो प्रिंटिंग प्रेस की डेवलपमेंट के बाद बहुत बड़ी मात्रा में आपको पेंटिंग्स मिलेंगे कॉमर्शियल आस्पेक्ट के ऊपर। अब देखिए कि जब इंडियन पेंटिंग्स बने कालीघाट के अंदर, ये सब जगह के ऊपर बनते हैं, इसके सिवा भारत के अलग अलग रीजन्स में भी आपको बनने की शुरुआत मिलेगी, ठीक है। सो एनसीईआरटी क्या लिखती है, व्हाट डज द एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट? एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट दैट इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंदर जब भारत के अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा बहुत बढ़ जाती है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, विद द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, जैसे ही 20वीं शताब्दी के अंदर नेशनलिज्म बढ़ा तो इंडिया में जो पेंटिंग है वो पेंटिंग के अंदर नेशनलिस्ट मैसेजेस आने की भी शुरुआत हो गई, ठीक है। सो पहले अभी जो यूरोपियंस हम लोग को रिडिक्यूल किया करते थे, वो कहते थे कि भारत के लोग पेंटिंग नहीं बना सकते, भारत के लोगों का कोई इतिहास नहीं है, भारत के लोग इनफैक्ट पेंटिंग्स के अंदर ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, वो सब चीज़ें हमने तोड़ दी और हमने अंग्रेजों को बताया कि देखिए भाई हम भी हमारे हिसाब से सब कुछ कर सकते हैं। और उन्हीं में से ये एक फेमस पेंटिंग आपने सुना होगा साहब और आपने देखा भी होगा, वो पेंटिंग जो है वो किसका है साहब? भारत माता का पेंटिंग है, ठीक है। सो यू माइट हैव सीन दिस पेंटिंग, आपने ये पेंटिंग देखा होगा साहब सब जगह के ऊपर। ये भारत माता का पेंटिंग बहुत फेमस है, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत बड़ी मात्रा में यूज हुआ था। इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट के बहुत सारे जितने भी लीडर्स है उन सबको हाईलाइट कराया है, मतलब वो गांधी जी से लेके सरोजिनी नायडू से लेके कांग्रेस के लीडर्स हो गए, या आपके जो जो नॉर्मल और भी पार्टीज के लीडर्स हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, दयानंद सरस्वती जैसे लोग हो गए, है ना, राजेंद्र प्रसाद हो गए, सब लोग को इंक्लूड किया गया है इन दिस पेंटिंग। और ये पेंटिंग के द्वारा यही चीज हाईलाइट कराई गई है, यही चीज हाईलाइट कराई गई है कि देखिए हमारी भारत माता हमारी रक्षा करने के लिए काबिल है, और ब्रिटिश जो है वो हम लोग हर जगह पे रिडिक्यूल कर रहे हैं, नेशनल मूवमेंट के अंदर हमको है ना धिकार रहे हैं, ये सब चीज़ें हम लोग नहीं स्वीकारेंगे, ठीक है। सो वी सी के न्यू काइंड ऑफ पेंटिंग्स इमर्ज विद द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी तक आते आते हमको क्या देखने को मिल रहा है, एक नए प्रकार की पेंटिंग बनने की शुरुआत हो गई। और यहाँ से ही हमको क्या देखने को मिलेगा, नेशनल आर्ट की शुरुआत मिलेगी। क्या मिलेगा? नेशनल आर्ट की शुरुआत मिलेगी। अब व्हाट डू मीन बाय द नेशनल आर्ट, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? नेशनल आर्ट का मतलब क्या होगा कि भाई जो कला है ये कला के अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा को पॉपुलर कराया जाएगा, कला के अंदर क्या होगा, राष्ट्रवादी विचारधारा को पॉपुलर कराया जाएगा। तो अभी तक जो पेंटर्स थे वो सब यूरोपियन पेंटिंग्स किया करते थे, दे यूज्ड टू पेंट द यूरोपियन पेंटिंग्स। धीरे 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 इंडिया के अंदर राष्ट्रवादी पेंटिंग्स बनने की शुरुआत हो गई, बहुत सारे पेंटर्स ने इनफैक्ट आधुनिक पेंटिंग के साथ साथ भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति, भारत की जो पूरी की पूरी परिभाषा है उसको हाईलाइट कराने की कोशिश की है। और यहाँ से ही नेशनलिस्ट पेंटिंग्स की शुरुआत हमको देखने को मिलेगी बाय द पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा। अब देखिए राजा रवि वर्मा साहब का नाम सुना है कि नहीं सुना आप सबने, ठीक है। सो इनफैक्ट ही वॉज वन सच पर्सन जिन्होंने इंडियन प्लस मॉडर्न पेंटिंग्स को दोनों को इकट्ठा करके पेंटिंग करने की शुरुआत की थी, ठीक है। सो व्हेन वी सी द केस ऑफ राजा रवि वर्मा, जब हम लोग राजा रवि वर्मा साहब की याद रखते हैं या उनको समझने की कोशिश करते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन एज अ होल, तो ऑलवेज रिमेंबर कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने मॉडर्न पेंटिंग्स के अंदर जो नेशनलिज्म है उसको भी इंक्लूड किया है और अपनी जो इंडियन संस्कृति है उसको भी हाईलाइट कराया था। अब देखिए उनमें से राजा रवि वर्मा के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं आपको। राजा रवि वर्मा की खासियत ये है कि ये केरला के जो त्रावणकोर स्टेट थे उनके महाराजा जो थे उनके कोर्ट में बिलोंग करते थे, और ओरिजिनली रवि वर्मा का ही नाम था, उनको टाइटल दिया गया था राजा का, जैसे राम मोहन रॉय को राजा राम मोहन रॉय का टाइटल दिया गया था ना वैसे, बिकॉज इनका कॉन्ट्रीब्यूशन पेंटिंग में काफी अच्छा था, तो त्रावणकोर के जो महाराजा थे उन्होंने कहा कि भाई तुम भी कल से राजा बन जाओगे, ठीक है। तो उसके बाद राजा रवि वर्मा को इंक्लूड किया जाता है पर्सन हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली इन द इंडियन आर्ट एंड पेंटिंग्स। देखिए राजा रवि वर्मा की खासियत क्या है, इनकी खासियत यह है कि इन्होंने ऑयल पेंटिंग्स किए, ऑयल पेंटिंग्स कहाँ से है, यूरोपियन स्टाइल से है, और यूरोपियन स्टाइल में जब ऑयल पेंटिंग आए तो उसको इंक्लूड किया गया है, एंड साथ जो इंडियन माइथोलॉजी
जो इंडियन रिलीजन, इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस है, इनके साथ जो भी जुड़ी हुई बातें हैं, इनके साथ जुड़ी हुई जो भी घटनाएं हैं, उसको भी पेंटिंग के रूप में लाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो याद रखेगा कि राजा रवि वर्मा का कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि ही मास्टर्ड दी वेस्टर्न आर्ट ऑफ ऑयल पेंटिंग एंड रियलिस्टिक लाइफ स्टडी, बट पेंटेड द थीम्स फ्रॉम द इंडियन माइथोलॉजी एज वेल। तो इंडिया का रिलीजन, इंडिया का आर्ट एंड कल्चर जो है, इंडिया की पूरी माइथोलॉजिकल कंडीशंस है, उन सब को हाईलाइट कराते हुए ये राजा रवि वर्मा साहब ने अपनी, इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा जो वो है ना कि पेंटिंग से वो पेंटिंग्स बनाने की कोशिश की है। ही ड्रामेटाइज्ड ऑन कैनवास सीन्स आफ्टर सीन्स दिस फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत, ड्रॉइंग फ्रॉम द थियोरिटिकल परफॉर्मेंस ऑफ दी माइथोलॉजिकल स्टोरीज दैट ही विटनेस ड्यूरिंग हिज टूर ऑफ दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। एक्चुअली राजा रवि वर्मा की स्टोरी ये है कि वो है ना एक बार भारत दर्शन पे निकल जाते हैं, और भारत दर्शन पे निकलते हैं ना तो अलग अलग गांवों में घूमते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं, तो उनको लग रहा था कि भारत में तो बहुत सारी कला है, देर इज सो मच ऑफ आर्ट फॉर्म। उन सबको उन्होंने फिर कैनवास में छापने की कोशिश की। ठीक है, तो उनके बहुत सारे पेंटिंग है, जैसे दमयंती का भी हमने जब ये लेक्चर शुरू किया था कल के क्लास के अंदर, तो मैंने आपको दमयंती के पेंटिंग के बारे में बताया था। ऐसे मल्टीपल पेंटिंग्स आपको राजा रवि वर्मा के द्वारा मिलेंगे। ये सब पेंटिंग से भी हमको समझ में आता है कि राजा रवि वर्मा का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, जैसे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, आपको ये भी राजा रवि वर्मा का ही पेंटिंग मिलेगा। वी फाइंड मल्टीपल पेंटिंग्स ऑफ राजा रवि वर्मा जो भारत के अंदर बहुत ही पॉपुलर होते हैं। अब देखो राजा रवि वर्मा की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थी। ठीक है, 1880s के दौरान राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग थी, ये पेंटिंग इनिशियली जो रजवाड़े थे और जो भी इनको कला की मजा, मतलब जो है ना जिनको आर्ट फॉर्म्स में इंटरेस्ट था, आर्ट कलेक्टर्स के रूप में इंटरेस्ट था, उन सब ने इकट्ठा करना शुरू किया। फिर धीरे 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 क्या होता है कि इसको है ना प्रिंटिंग के अंदर कन्वर्ट करा दिया जाता है। इनिशियली ये पेंट होते थे, पेंटिंग होने के बाद इनका प्रिंटिंग प्रेस करने अंदर कन्वर्जन होने की शुरुआत हो गई। अब जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस में कन्वर्जन होने की शुरुआत हो जाती है तो क्या होता है, मास प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो वॉट वी सी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राजा रवि वर्मा, पेंटिंग का प्रोडक्शन काफी बढ़ गया, मास प्रोडक्शन बनने की शुरुआत हो गई, और बहुत ही कम दाम के अंदर, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल यूज होता है। आपने सुना होगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल की खासियत क्या है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर इंपॉर्टेंस यही बात है कि अगर आप कोई भी चीज को मास प्रोडक्शन में बनाते हो, अगर आप कोई भी चीज को मास प्रोडक्शन के अंदर बनाओगे तो वो सस्ते में इनफैक्ट आप उसका कॉस्टिंग कर पाओगे। तो पेंटिंग में भी यही हुआ, पहले पेंटिंग हाथ से बनते थे, अब एक पेंटिंग हाथ से बना, उसके बाद उसका छापना शुरू कर दिया प्रेस के अंदर, तो प्रेस के अंदर छापना शुरू किया, उसके कारण क्या हो गया, काफी एडवांटेज हो जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट है ना? तो क्या हुआ, हमको देखने को मिला इंडिया के जो पेंटिंग्स है अलग अलग प्रकार के डेवलप हुए। पहला तो कालीघाट पेंटिंग बना। कालीघाट पेंटिंग के बाद धीरे 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 क्या होता है कि हमको राजा रवि वर्मा के पेंटिंग्स भी मिल जाएंगे। किसके मिलेंगे? राजा रवि वर्मा के पेंटिंग्स मिलेंगे। इनके पेंटिंग्स का जब हम लोग फीचर्स देखते हैं तो इनके पेंटिंग्स के फीचर्स की खासियत क्या थी, मैंने आपको बताया कि राजा रवि वर्मा के पेंटिंग्स की फीचर्स अगर आपको पूछेगा तो याद रखिएगा कि इंडियन रिलीजन, इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस को हाईलाइट कराते हुए इन्होंने पेंटिंग बनाए। ये पेंटिंग के तहत इन्होंने ये भी ध्यान रखा कि इमोशंस को बाहर लाया जाए। लेडी इन द मूनलाइट, रावण किडनैपिंग सीता, जटायु का पेंटिंग बहुत ही फेमस है इनके पेंटिंग्स। ठीक है, कृष्णा विथ यशोदा, ठीक है, ये सब पेंटिंग्स आपको मिलेंगे राजा रवि वर्मा के। आपको समय मिले तो कभी गूगल करिएगा, इसके ऊपर से मूवी भी आया था राजा रवि वर्मा के ऊपर से, तो वहां से भी हमको इंडियन पेंटिंग्स का एक नया दौर मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडियन पेंटिंग्स के ऊपर जो तीसरा पॉइंट एनसीईआरटी लिखती है, वो लिखती है कि इंडिया में अब धीरे धीरे कैसे पेंटिंग्स बनने की शुरुआत होगी, नेशनलिस्ट पेंटिंग्स बनने की शुरुआत होगी। अब देखिए नेशनलिस्ट पेंटिंग्स का मतलब क्या है कि ब्रिटिश जब पावर के ऊपर थे तो ब्रिटिश ने अलग प्रकार के पेंटिंग्स बनाए विजुअली, मतलब देखने के लिए। और ब्रिटिश पेंटिंग की खासियत क्या हुआ करती थी, मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर भी बताया कि ब्रिटिश पेंटिंग जो थे उसके अंदर इन्होंने रियलिज्म को ज्यादा हाईलाइट किया है, ब्रिटिश सुपीरियोरिटी को दर्शाया है, इंडिया के प्रिंस स्टेट्स की पिटाई कर रहे हैं वैसे पेंटिंग्स किए हैं। अब कालीघाट पेंटिंग के पहले ऐसे बने जो फोक स्टाइल को इंक्लूड किए, कालीघाट पेंटिंग के बाद राजा रवि वर्मा जैसे लीडर्स आए जिन्होंने अपने पेंटिंग्स बनाए। अब उसके बाद धीरे 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 नेशनलिस्ट पेंटिंग्स की तरफ चले जाते हैं। 20th सेंचुरी में 1905 के आसपास का टाइम था। कब का टाइम था? दिस वॉज द पीरियड ऑफ 1905, याद रखेगा 1905 के आसपास का टाइम था जब भारतीय चित्रकला के अंदर एक राष्ट्रवादी विचारधारा उभर के आएगी। बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, याद रखेगा, इट इज नोन एज दी बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, याद रखेगा, इट इज नोन एज दी बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स,
In the Bengal School of Paintings, we find the new style of paintings develop. कौन सी शुरुआत हो जाती है? Bengal School of Paintings के तहत हमको एक नई शैली देखने को मिलेगी, which will be called as the nationalist paintings. ठीक है, which will be called as the nationalist paintings. अब nationalist paintings के अंतर्गत अब कैसे आर्ट फॉर्म बनेंगे? ठीक है, तो बंगाल के अंदर जो पेंटिंग बने वो अबिंद्रनाथ टागोर ने बनाए. किसने बनाए? अबिंद्रनाथ टागोर. याद रखेगा, अबिंद्रनाथ टागोर वॉज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द बंगाल पेंटिंग्स. ही वॉज अ नेफ्यू ऑफ रविंद्रनाथ टागोर. वन मोर क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. ठीक है, यहां से अब देखो, राजा रवि वर्मा के पेंटिंग्स क्या हुआ करते थे? राजा रवि वर्मा के पेंटिंग्स जो थे, इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ इंडियन आर्ट प्लस वेस्टर्न आर्ट. राजा रवि वर्मा के पेंटिंग्स कैसे हुआ करते थे? भारतीय चित्रकला और पश्चिमी चित्रकला का मिक्सचर हुआ करता था. Whereas, याद रखेगा, the Bengal school rejected the Raja Ravi Verma. उन्होंने कहा कि राजा रवि वर्मा के पेंटिंग्स कुछ ज्यादा ही वेस्टर्नाइज्ड है, वो पश्चिम से ज्यादा चीजें बोरो करते हैं, और इसके लिए जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर जो चीजें हाईलाइट होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी. और इसके कारण इन्होंने क्या कहा कि हमको हमारा खुद का नेशनल पेंटिंग बनाना पड़ेगा, विच शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ वेस्टर्न borrowing and it should have the spiritual essence of the east. भारत का जो essence है वो सब painting के अंदर आना चाहिए. Getting my point or not? अब देखिए क्या होता है, what we see, इन्होंने अब धीरे प्रकार से अब नए painting बनाने की शुरुआत की. तो अंग्रेजों के आगमन के बाद हमने oil painting का development देखा. देखा कि नहीं देखा? When the British came to India, मैंने आपको कल के class के अंदर भी बताया था, और अभी भी सुबह भी जब हमने ये class शुरू किया तभी मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की कि जब भारत के अंदर अंग्रेज आते हैं, when the British came to India, इंडिया में जो आर्ट फॉर्म की शुरुआत हो गई थी वो थी वेस्टर्न आर्ट की. अब वेस्टर्न आर्ट में ऑयल पेंटिंग्स का इंपॉर्टेंस था. राजा रवि वर्मा ने भी ऑयल पेंटिंग का यूज़ किया, पर ये जो नेशनल पेंटिंग वाले लोग थे वो कहते हैं कि हमको ऑयल पेंटिंग यूज़ नहीं करना, क्योंकि ऑयल पेंटिंग यूज़ करोगे तो मतलब ये होता है कि हम अंग्रेजों की तरह पेंटिंग्स कर रहे हैं, एंड वी डू नॉट वॉन्ट टू हैव द सेम काइंड ऑफ पेंटिंग्स लाइक द ब्रिटिश. This is one of the reasons they broke away the convention of oil painting. इन्होंने oil painting के convention को तोड़ दिया in the realistic style and turned for the inspiration of the medieval Indian traditions of miniature painting and the ancient art of mural paintings in the Ajanta caves. आप समझने की कोशिश करो कि इंडिया में जो मॉडर्न इंडिया के पेंटिंग्स बने हैं नेशनल मूवमेंट के दौरान, उन्होंने ध्यान रखा कि हम एंशियंट और मिडिवल इंडिया के पेंटिंग्स को कॉपी करेंगे, ना कि ब्रिटिश पेंटिंग्स के स्टाइल को कॉपिंग करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश पेंटिंग्स में क्या थी? ऑयल पेंटिंग्स, और इसको काफ़ी यूज़ किया गया था. हमारे पेंटर्स कहते हैं कि नको भाई साहब, वी विल हैव अवर ओन स्टाइल. इन दिस ओन स्टाइल वी विल मेक श्योर कि हमारे पेंटिंग्स कुछ अलग ही चीज़ें दर्शाएंगे. अब क्या क्या चीज़ें दर्शाई जाती है? तो इनका मानना ये था कि हम लोग, इनफैक्ट ये जो जापानी आर्टिस्ट इंडिया में आए हैं उनसे भी कुछ कुछ चीज़ें बोरो कर सकते हैं. गेटिंग माई पॉइंट, है ना? तो उस दौरान नेशनल मूवमेंट के दौरान 20th सेंचुरी की शुरुआत में बहुत सारे जापान के कारीगर भी भारत में आए थे. देयर वर मेनी आर्टिस्ट फ्रॉम जापान हु हैड कम टू इंडिया. तो उनके भी चीज़ों को हाईलाइट कराया गया. तो वी सी मल्टीपल थिंग्स, हमको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर से मिलेगी, और ये सब चीज़ों को इंक्लूड करते हुए हमको आर्टिस्ट के अलग अलग प्रकार के पेंटिंग्स मिलते हैं. ठीक है, अब देखिए क्या क्या पेंटिंग्स आपको मिलते हैं इसके अंदर से. गेटिंग माय पॉइंट, जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, मेघदूतम करके एक पोयम हुआ करती थी. नाम सुना है आपने साहब? ठीक है, मेघदूतम में यक्ष यक्षिनी की वार्ता है. इट्स ए लव स्टोरी बिटवीन यक्ष एंड यक्षिनी, जहाँ पे यक्ष जो है वो अपनी यक्षिनी को मैसेज पहुँचाना चाहता है वाया द क्लाउड. तो इसको क्लाउड मैसेंजर के रूप में अंग्रेजों ने ट्रांसलेट किया था. ठीक है, अंग्रेज के अंदर, तो उसके अंदर अगर आप समझोगे तो इसमें एक यक्ष की पेंटिंग दिखाई गई. यक्ष गायब हो गया है कालिदास की पोएम के अंदर. ठीक है, और क्या लिखा गया? नोटिस द मिस्टी बैकग्राउंड, द सॉफ्ट कलर्स एंड द एब्सेंस ऑफ एनी हार्ड लाइंस इन द पेंटिंग. दिस आर द स्टाइलिक एलिमेंट्स यू विल ऑफन फाइंड इन द मैनी ऑफ द जैपनीज वाटर कलर. अब देखिए ये इंपॉर्टेंट शब्द आ गया है. ब्रिटिश आए, इन्होंने ऑयल कलर का यूज किया. ब्रिटिश आए, ये आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूँ बाय द वे, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है ना इसके लिए साहब. ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. ऑलवेज रिमेंबर कि क्वेश्चन जब बनेंगे तो यहाँ से गोल गोल करके बनते हैं साहब आपके, फिर आपके गरबे चालू हो जाते हैं. जापानियों ने वाटर कलर का यूज़ किया.
20th सेंचुरी में अवर पीपल वर थिंकिंग टू ब्रेक द ट्रेडिशन विद द ब्रिटिश पेंटिंग्स, जो अंग्रेजों ने पेंटिंग बनाए थे और हमारे ऊपर थोपे थे कि भाई देखो ऐसा ही अच्छा पेंटिंग होता है, तो अवर पीपल वॉन्ट्स टू ब्रेक, एंड हमारे पीपल में से कौन थे, बंगाल स्कूल वाले लोग थे, कौन थे, अभिन्द्रनाथ टागोर जैसे लोग थे, नंदलाल बोस का नाम सुना होगा आपने, ई बी हैवल जैसे लोग मिलेंगे, लेटर ऑन अमृता शेरगिल और आदि इत्यादि बहुत सारे लोग उभर के आए। इन सब का मानना था कि हम वाटर कलर बनाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो दो तीन पेंटिंग है अभिन्द्रनाथ टागोर के, एक तो यक्ष की एक पेंटिंग है, दूसरी मदर की पेंटिंग है, अगर आप देख रहे हो ये भी आपके अभिन्द्रनाथ टागोर ने ही बनाई हुई है, गेटिंग माय पॉइंट ऑन। ये पेंटिंग के द्वारा इन्होंने वाटर कलर का यूज किया है, तो जो ऑयल कलर्स अंग्रेज बनाते थे उनका यूज नहीं किया गया है, गेटिंग माय पॉइंट। इसके सिवा आपको एक और पेंटिंग मिलेगा जिसका नाम है द जाति गृह दाह, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब देखो ये सब है ना पेंटिंग से हमको समझ में आता है कि कैसे इंडियन रिलीजन इंडियन कल्चर को एनकम्पास किया गया था इन द पेंटिंग्स। द बर्निंग ऑफ द हाउस ऑफ लैक ड्यूरिंग द पांडवाज एक्सल इन द फॉरेस्ट पेंटेड बाय नंदलाल बोस, वंस अगेन द यूज ऑफ वाटर कलर कैन बी सीन। नंदलाल बोस वॉज अ स्टूडेंट ऑफ अभिन्द्रनाथ टागोर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक्चुअली पांडव जब अपने घर से निकल जाते हैं, आपको पता होगा वनवास के लिए जाते हैं साहब, ठीक है, तो वीसी की वो जहाँ पे रह रहे होते हैं वहाँ पे जो घर है उसको आग लगाई जाती है, झोपड़ी को आग लगाई जाती है, ठीक है। तो वो जो पेंटिंग है वो पेंटिंग को इन्होंने दर्शाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से हमको समझ में आता है कि जो पेंटिंग्स है वो ब्रिटिश एज में कैसे पेंटिंग्स थे, ऑयल कलर के थे। जितने भी बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स बनते हैं, याद रखेगा, जितने भी बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स बनेंगे वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, वी फाइंड द वाटर कलर टू बी यूज, याद रखेगा वाटर कलर्स वर यूज, ठीक है। तो दो तीन चीज़ें हमको पेंटिंग के अंदर से मिली। पहली चीज़ पेंटिंग के अंदर हमने देखा कि ब्रिटिश एज के अंदर ऑयल कलर का यूज़ हुआ। इंडियन पेंटिंग्स जो नेशनलिस्ट पेंटिंग्स बने कब बने, 20th सेंचुरी के अंदर। और इन्होंने इनफैक्ट कैसे पेंटिंग्स बनाए, कौन से पेंटर्स थे बंगाल पेंटिंग्स के अंदर, हम दो लोग का नाम याद रखेंगे, एक तो अभिन्द्रनाथ टागोर का और दूसरे कौन थे साहब, नंदलाल बोस का, ठीक है। बाय द वे नंदलाल बोस का कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं है, मुझे बताइएगा नंदलाल बोस का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या योगदान है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनका क्या योगदान है, ये आपका क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर टुडेज आपका होमवर्क। मैं जनरली एक क्वेश्चन देता हूँ, आपने देखा है आजकल मेरा अगर क्लास अटेंड कर रहे होगे तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, और क्वेश्चन आपको कभी कभी यही देता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। मैंने उस दिन आपको अंग्रेजी के बारे में पूछा था कि अंग्रेजी का एक एडवांटेज बताइए और एक डिसएडवांटेज बताइए, आज फिर से एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ कि नंदलाल बोस हु बिलोंग टू द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, उन्होंने इनफैक्ट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, वॉट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नंदलाल बोस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, बहुत इंटरेस्टिंगली इसके ऊपर डाइकोटॉमी आपको मिल जाएगी, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो घुमा फिरा के आपको दो तीन पॉइंट मिलेंगे। हम लोग जब भी इनफैक्ट इंडियन पेंटिंग्स की बात करते हैं, इंडियन पेंटिंग्स के अंदर हमको काफ़ी सारा इंडियन इन्फ्लुएंस मिलेगा। बहुत सारे पेंटिंग्स ऐसे थे जहाँ पे हमको जापानीज इन्फ्लुएंस भी मिलता है, क्योंकि जापान के लोगों ने वाटर कलर का काफ़ी बड़ी मात्रा में यूज़ किया गया था, ठीक है। तो इंडिया में, एंशियंट इंडिया में आपको वाटर कलर्स यूज़ मिलेंगे, जैसे अजंता हो गई, बाघ हो गई, ये सब गुफाओं को अगर आपने देखा होगा आर्ट एंड कल्चर के अंदर, तो वहाँ पे आपको वाटर कलर का काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। तो वैसे ही पॉइंट्स हमको मिलेंगे। इनफैक्ट हमको अभिन्द्रनाथ टागोर ने जो पेंटिंग्स बनाए उसमें राजपूत पेंटिंग्स का भी काफ़ी प्रभाव मिलेगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो राजपूत शासकों ने पेंटिंग्स बनाए वो भी हमको यहाँ से मिलती रहेगी, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो वी सी कि देर वर मेनी पेंटर्स जिन्होंने अलग अलग प्रकार के पेंटिंग बनाए। अब लास्ट पेंटिंग का जो डेवलपमेंट हुआ वो 1920s के बाद होगा, क्या होता है 1920s के बाद होगा, ठीक है। अब 1920s के बाद क्या होगा, 20th सेंचुरी के लास्ट फेज के अंदर जो पेंटिंग के अंदर फंडामेंटल चेंज आता है। After the 1920s, a new generation of artists began to break away from the style popularized by Abhindranath Tagore. मतलब टागोर साहब ने जो कहा उससे भी कोई अलग जाने की कोशिश कर रहे हैं। Some saw it as a sentimental, others thought that the spiritualism could not be seen as a central feature of the Indian culture. बहुत लोग, क्योंकि अभिन्द्रनाथ टागोर ने स्पिरिचुअल पेंटिंग ज़्यादा बनाए थे इसके लिए बोल रहे थे, दे फेल्ट दैट द आर्टिस्ट हैड टू एक्सप्लोर रियल लाइफ इंस्टेड ऑफ इलस्ट्रेटिंग एंशियंट बुक्स
and for look for inspiration for living folk art and the tribal designs rather than the ancient forms. Rabindranath Tagore ने क्या किया, खाली culture और ancient India को highlight किया. इसके लिए एक group कह रहा है कि नहीं भाई, हमको है ना बाहर किताबों के बाहर भी जाना पड़ेगा अगर पेंटिंग करना हो. As the debate continued, new movements of art grew and styles of the art changed. तो जैसे जैसे आपका आंदोलन चलता रहा, भारत आज़ाद होता है, आज़ाद होने के बाद जब हम लोग पेंटिंग की बात करेंगे, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हमको जो इंडियन पेंटिंग है ये इंडियन पेंटिंग में आपको एक आर्टिस्ट का ग्रुप मिलेगा, PAG, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप. ये जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है, इसने एक नए प्रकार के पेंटिंग्स को बनाया. MF हुसैन जैसे लोग मिलेंगे, सैयद हैदर राजा जैसे लोग मिलेंगे जिन्होंने इस प्रकार की शासन पद्धति की पेंटिंग्स की शुरुआत की. ठीक है, तो हमने ये चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा है. हमने पढ़ा था विजुअल आर्ट. किसको पढ़ा था? विजुअल आर्ट. और विजुअल आर्ट में सबसे ज़्यादा हमने समझने की कोशिश की, वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि हाउ द विजुअल आर्ट स्टार्टेड इंडिया में. विजुअल आर्ट की शुरुआत कैसे होगी ब्रिटिश एज में. ठीक है, तो सबसे पहले हमने विजुअल आर्ट के अंदर जब समझने की कोशिश की तो हमने देखा कि कैसे लैंडस्केप पेंटिंग्स की बनने की शुरुआत हो गई. उसके बाद हमने ये भी देखा कैसे पोर्ट्रेट पेंटिंग्स बनते हैं, और पोर्ट्रेट के साथ साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे हिस्टोरिकल पेंटिंग्स बनने की शुरुआत होती है, हिस्ट्री पेंटिंग्स के बनने की शुरुआत होगी. इन सब की थीम यही हुआ करती थी कि ऑयल कलर्स का यूज करो और सुपीरियरिटी दर्शाओ, अंग्रेजों को अपनी सुपीरियरिटी दर्शाओ. उसके बाद कंपनी पेंटिंग्स एक्सपांड हुए. ये कंपनी पेंटिंग्स के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने भारत को कैसे देखा उसके ऊपर पेंटिंग बने. इसमें भी ऑयल कलर्स का यूज काफी बड़ी मात्रा में हुआ. उसके बाद इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ये प्रिंसली स्टेट्स ने भी अपने पेंटिंग बनवाए, और प्रिंसली स्टेट्स में आपको म्यूरल्स भी दिख जाएंगे जहां पे वो फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश. बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ने मिनिएचर्स का भी यूज किया है. और उसके बाद हमको फोक पेंटिंग्स मिलेंगे. ये फोक पेंटिंग्स में कालीघाट पेंटिंग्स के अंतर्गत पहले कैसे फोक इन्फ्लुएंस प्लस इंडियन कल्चर को कैसे वेस्टर्नाइज किया जाता है उसके ऊपर के पेंटिंग्स हमको देखने को मिले. एंड फाइनली वी फाइंड राजा रवि वर्मा जो इंडियन रिलीजन को हाईलाइट करते हुए पेंटिंग्स बनाएंगे. और उसके बाद हम देखते हैं कि बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जहां पे वाटर कलर का यूज करते हुए पेंटिंग को एक नई दिशा दिलाने की कोशिश की गई. इस दौरान हम लोग ने देखा कि कैसे इंडिया में अलग अलग पेंटर्स आए. ये पेंटर्स के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर का नाम, और दूसरे अगर आप समझोगे तो नंदलाल बोस जैसे पेंटर्स का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि हु वाज नंदलाल बोस, हु वाज रविंद्रनाथ टैगोर. एटलीस्ट आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन था. और ये ज्यादातर जापानी इन्फ्लुएंस से थे. आजादी के बाद और भी नए प्रकार के पेंटिंग बने. तो इस तरह से हम देखते हैं कि विजुअल आर्ट में जो पेंटिंग था वो पेंटिंग से कैसे प्रिंटिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, और प्रिंटिंग प्रेस के तहत कैसे इंडिया में कमर्शियलाइजेशन ऑफ द आर्ट एंड कल्चर होता है. ये सब टॉपिक को ये चैप्टर के अंदर दर्शाने की कोशिश की गई है. When we try to understand this whole topic, ये चैप्टर के एंड में अगर आप देखोगे तो काकुजो करके एक शब्द का उल्लेख किया गया है जो एशियन आर्ट फॉर्म के अंदर हाईलाइट किया गया है. ये काकुजो क्या है इसके बारे में आपको जापान के बारे में चीजें मिलेगी. और लिखा जाता है इन द ईयर 1904 ओकाकुरा काकुजो पब्लिश्ड अ बुक इन जापान कॉल्ड द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट. This book is famous for his opening lines that says the Asia is one. Pura Asia ek hi hai, oriental jitna bhi culture hai. Okakura argued that Asia had been humiliated by the West and the Asian nations had to be collectively resist the Western domination. Okakura researched on Japanese art and emphasized the need to save the traditional techniques of the traditional Japanese art at a time they were being replaced by the Western style paintings. He tried to define what
modern art could be and how the tradition could be retained and modernized. He was principal founder of the first Japanese art academy. Okakura visited Shantiniketan. That was the same place jahan Rabindranath Tagore raha karte the, founder of the Shantiniketan. Had a powerful influence on the Rabindranath Tagore and Rabindranath Tagore. Aur iske karan Rabindranath Tagore ne nationalist paintings ki taraf jane ki कोशिश की. गेटिंग अ पॉइंट है ना. तो कभी कभी आपको पूछेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर के पेंटिंग के ऊपर जापानीज इन्फ्लुएंस था कि नहीं था. तो हमारे गरबे चालू होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि हमको लगता है कि हमको तो एक तो इंडिया के पेंटिंग्स के नाम याद नहीं रहते हैं, उसमें भी ओकाकुरा का नाम तो बिल्कुल याद नहीं रहेगा. गेटिंग अ पॉइंट है ना. तो ये छोटी छोटी बातें एनसीईआरटी के अंदर से मिलती है. और इसके लिए दोस्तों मैं आपको पहले भी कहता था, अभी भी कहता हूँ, जब एनसीईआरटी को पढ़ो तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस करो, अच्छी तरह से पढ़िएगा. ठीक है, अब एनसीईआरटी में सबसे लास्ट टॉपिक हमारा बाकी रह गया है, वो है आपका दी फोटोग्राफी इन इंडिया. अब देखिए, फोटोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है. आई डू नॉट थिंक दे विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन फोटोग्राफी, बट बिकॉज एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में फोटोग्राफी की डेवलपमेंट कैसे शुरू होती है और ये फोटोग्राफी कैसे डेवलप होने की शुरुआत होगी. ठीक है, सो वी सी के देयर वर मल्टीपल फोटोग्राफर्स जो यूरोप से इंडिया की तरफ आते हैं, भारत के अलग अलग रीजन्स में जाएंगे और फिर अपनी है ना फोटोग्राफी की जो टेक्निक है उसको डेवलप कराने की कोशिश करेंगे. अब ये जो फोटोग्राफी है, ये फोटोग्राफी में क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती थी, तो इसमें यही दिखता था कि ब्रिटिश कैसे अथॉरिटी में बैठे हैं, कैसे इंपीरियल ऑफिशियल्स पावर के ऊपर बैठे हैं. भारत के अलग अलग रीजन्स में जाते थे, फर्टीचर बिल्डिंग का फोटोग्राफ लेते थे और फिर कभी कभी दिखाते थे कि देखिए कि क्या हालत हो गई है इंडिया की. गेटिंग माय पॉइंट है ना. तो मिलिट्री ट्रायंफ को और इस तरह से उन्होंने फोटोग्राफी में दर्शाने की कोशिश की है. जैसे कि ये फोटोग्राफ देख रहे हो, यहाँ पे हॉर्स रेजिमेंट का एक फोटोग्राफ दिखाया गया विलियम हडसन के द्वारा. उसी तौर के ऊपर आपको यहाँ पे सती चौरा घाट दिखेगा कानपुर के अंदर, इसको भी दिखाने की कोशिश की गई है कि देखो कैसे इनफैक्ट इंडिया की कंडीशंस हुआ करती थी फोटोग्राफी के अंदर. ठीक है, तो ये एक टॉपिक खाली एनसीईआरटी में दिया हुआ है फोटोग्राफी के रूप में. उसी तौर के ऊपर जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चलता है और इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर जब क्विट इंडिया मूवमेंट और ये सब चालू था, तब कैसे फोटोग्राफी की जाती है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया के अंदर विजुअल आर्ट फॉर्म के अंदर जब हम लोग बात करेंगे तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए. ये मॉन्यूमेंट्स के अंतर्गत इनफैक्ट जो मॉडर्न आर्किटेक्चर बनता है वो भी विजुअल आर्ट के रूप में हमको देखने को मिलता रहेगा. ठीक है, अब विजुअल आर्ट के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो इनिशियली ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे आर्किटेक्चर के बिल्डिंग्स बनाए, इसको गॉथिक आर्किटेक्चर के रूप में पहचानते हैं या उसके बाद फिर न्यो रोमन आर्किटेक्चर के रूप में पहचानते हैं. क्या कहते हैं, इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर. इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर ये बॉम्बे के अंदर जो भी बना है ये सबका सब एग्जांपल इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर का है. जैसे ये वीटी है, ये इसको आज की तारीख में हम लोग क्या पहचानते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, आपने नाम सुना होगा सीएसटी के रूप में. ठीक है, ये जो वीटी है सीएसटी है, ये विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में या सीएसटी के रूप में हम लोग पहचानेंगे जो बॉम्बे के अंदर बनता है, इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर के रूप में मिलेगा. तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स इन्होंने बनाए भारत के अलग अलग रीजन्स में, कलकत्ता में बनाए, बॉम्बे के अंदर बनाए. ठीक है, तो वो जितने भी थे आपको गॉथिक आर्किटेक्चर के रूप में मिलेंगे. ठीक है, तो याद रखिएगा कि विजुअल आर्ट के अंदर आपका आर्किटेक्चर का एक टॉपिक आता है, उसके अंदर आपको पॉइंट पता होना चाहिए. अब इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर की खासियत क्या है, उसमें राउंडेड आर्चेस मिलेंगे. क्या मिलेगा, राउंडेड आर्चेस मिलेंगे. ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि इन्होंने कलकत्ता के अंदर जो भी मॉन्यूमेंट्स बनाए उसके अंदर इन्होंने ग्रीस और रोमन आर्किटेक्चर का भी प्रभाव डाला है. जैसे कि अगर आप देख रहे हो कि आपको ये जो पिलर अप्रोच है ये रोमन आर्किटेक्चर के अंदर ही ज्यादा मिलता है. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ब्रिटिशर्स ने जो भारत में है वो पेंटिंग्स आर्किटेक्चर और फोटोग्राफी में काफ़ी डेवलपमेंट कराया. ये चैप्टर में मेनली इनफैक्ट आपका पेंटिंग्स का ही हिस्ट्री था कि कैसे मॉडर्न एज के अंदर इंडिया के पेंटिंग्स की डेवलपमेंट होने की शुरुआत होती है और किस तरह से पिक्चरेस्क्यू पेंटिंग्स बने, किस तरह से आपके हिस्टोरिकल पेंटिंग बने, किस तरह से पोर्ट्रेट पेंटिंग बनते हैं, किताबों के बाहर निकाल के पेंटिंग बने और पेंटिंग्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ. पटुआ आर्ट फॉर्म स्क्रॉल पेंटिंग्स के रूप में क्या कहते हैं, पटुआ आर्ट फॉर्म के रूप में पहचानेंगे. ठीक है, राजा रवि वर्मा के पेंटिंग्स कैसे हुआ करते थे. और फाइनली जब हम लोग देखते हैं कि नेशनल पेंटिंग कैसे बने उसके बारे में भी हमने देखा. ये चैप्टर एक्स्ट्रा चैप्टर है, इसके लिए मैंने थोड़ा जल्दी कराया है क्योंकि आपको इसमें से थीम पता होनी चाहिए कि कौन से पेंटर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था.
क्योंकि ये चैप्टर ऑलरेडी डिलीट हो चुका है किताबों के अंदर से, बट आपको पता है एज अ टीचर मेरी एक फर्ज है कि मैं आपको पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी कराऊँ, ना कि सुपरफिशियल तैयारी कराओ। और कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी में ये चैप्टर पढ़ना थोड़ा ज़रूरी था, इसके लिए हमने थोड़ा जल्दी से किया है, बट वी हैव ट्राइड टू जस्टिफाई दिस चैप्टर इन अ वेरी इफेक्टिव वे। हम लोग आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। मैं आपको फिर से वेलकम करूँगा कि आप हमारे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर जुड़िए, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करेंगे, प्रीलिम और मेंस दोनों की तैयारी करेंगे, आंसर राइटिंग भी करेंगे, और आपकी जो तैयारी है उसमें मैं आपके साथ आपका जो एक फ्रेंड फिलोसफर और गाइड के रूप में जुड़ूंगा, तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगेगा। पी एन लाइव इज माई रेफरल कोड, प्लीज़ यूज दिस कोड पी एन लाइव वाइल ज्वाइनिंग द अनअकैडमी, यू विल गेट 10% डिस्काउंट एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आप मेरे साथ कनेक्ट हो पाओगे, मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे तैयारी होती है। इसके सिवा सब्सक्रिप्शन की क्वेरी को लेके कोई डाउट्स है तो यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर, ये मेरी टीम आपको आंसर दे देगी। दिस इज माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल प्रतीक यूपीएससी, प्लीज ज्वाइन दिस फॉर द अपडेट्स, एंड दिस इज माई ऑफिशियल अनअकैडमी आई वुड से प्रोफाइल, आप इसको फॉलो करिएगा, यू विल गेट ऑल द अपडेट्स अबाउट द न्यू कोर्सेज दैट आई विल बी लॉन्चिंग एनी टाइम सूनर। आज का क्लास यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी हम लोग शुरू करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, 9th क्लास की एनसीईआरटी हम लोग शुरू करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर चले जाएंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे पहला टॉपिक जो है उसको पढ़ाने वाला हूँ मैं, याद रखिएगा, वी विल बी स्टार्टिंग विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द 9th क्लास एनसीईआरटी, उसको हम लोग पढ़ेंगे कल के क्लास के अंदर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म, प्लीज गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बॉम फॉर्म भी दिया हुआ है और कमेंट्स में भी दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन कीप स्टडिंग।